आजकल कोई ना कोई डॉग घर में ऐसा होना चाहिए जो सिक्योरिटी के लिए बेस्ट हो, क्योंकि आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा टीवी वगैरह में काफी न्यूज आती है कि भाई यहाँ चोरी होगी वहाँ चोरी होगी, क्योंकि हम लोग तो रात को सो जाते हैं भाई, लेकिन हमारे डॉग जो ना वो पूरी रात जाकर सिक्योरिटी करते हैं। तो जब सिक्योरिटी डॉग ब्रीड की बात ही आ गई है तो यहाँ पर आप लोगों को दो इतने तगड़े ऑप्शंस मिलने वाले हैं कि आप लोग कहोगे कि यार मंजी ये तो सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट है। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो ऐसी डॉग ब्रीड जिसमें से फर्स्ट आप लोग देख ही रहे हैं जो है पिटबुल, और हमारी जो सेकंड डॉग ब्रीड है वो है रॉटवाइलर। भाई दोनों बहुत ज्यादा फेमस है एंड दोनों थोड़े से अग्रेसिव भी, तो इस ब्रीड को भाई अच्छे से सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, नहीं तो अगर ये अग्रेसिव हो गए तो भाई फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्योंकि भाई इसी वजह से कहा जाता है कि दोनों डॉग्स भी फेयरलेस होते हैं अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी से भी भिड़ जाती हैं। तो अब क्या आप लोग इन दोनों में से किसी डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहोगे? अगर यस तो भाई बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक ताकि आप लोगों को इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि उनका कहना है कि ये जो पपीज है ना ये एक्सेल साइज में है, और कलर और क्वालिटी आप लोग देख ही रहे जो कि काफी अच्छी है। तो पपीज जो है ये ओनर के होम ब्रीडिंग है, तो अगर आप लोग चाहो ना तो डायरेक्ट विजिट करके परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो भाई वीडियो कॉल करके भी इन पपीज को सिलेक्ट कर पाओगे। वैसे गाइस ओनर का कहना है कि ये जो फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना ये इन पिटबुल पपीज के फादर हैं, तो भाई फादर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन भाई पपीज को परचेज करने से पहले पेरेंट्स के बारे में अच्छे से कन्फर्म जरूर कर लेना। तो पिटबुल एक बहुत ही एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, और सर्दियों में तो भाई इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, तो अगर आप लोग को ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए जो पूरा दिन आप लोगों के साथ खेल सके, जो इधर उधर भागते रहे और आप लोगों के घर में सबको एंटरटेन करते रहे, तो आप लोग इस ब्रीड को ले सकते हो। तो ये जो पिटबुल पपीज है ना ये 50 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर ने इनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन भी करवा दी है, तो साथ में आप लोगों को इनका कार्ड भी मिल जाएगा। एंड बात करेंगे इनके प्राइस के बारे में, तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड किया है मेल की 8500 रुपीज 8500 रुपए एंड फीमेल की क्या जस्ट 6000 रुपीज यानी सिर्फ 6000 रुपए। तो अब बात करते हैं हमारी सेकंड डॉग ब्रीड यानी रॉटवाइलर के बारे में, जो कि काफी पावरफुल एंड काफी हट्टी कट्टी डॉग ब्रीड है। तो गाइस ये जो रॉटवाइलर आप लोग देख रहे हैं ये एक फीमेल है एंड ओनर के पास फिलहाल ये तो सिंगल ही अवेलेबल, लेकिन ओनर सभी डॉग ब्रीड में काम करते हैं, आप लोग इनके पास से कोई भी डॉग ब्रीड परचेज कर सकते हो और वो भी काफी डिसेंट से प्राइस में। तो रॉटवाइलर आप लोगों को सिर्फ एक ही कोट कलर में मिलते हैं जो है ब्लैक एंड टैन, और जिन लोगों को भाई सिक्योरिटी डॉग ब्रीड चाहिए ना तो वहाँ पर आप लोगों को रॉटवाइलर का नाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ये काफी तगड़े होते हैं सिक्योरिटी के मामले में। और गाइस रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि काफी टाइम से रॉटवाइलर की वीडियोस आप लोगों को मिल भी नहीं रही, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग फटाफट से परचेज कर लो, क्योंकि क्या पता भाई बाद में कब वीडियोस आए और कब नहीं। तो अगर बात करें इस पपी की एज के बारे में तो ये भी 50 डेज की हो चुकी है, उन्होंने इसकी भी फर्स्ट वैक्सीनेशन कर रखी है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है रोहतक हरियाणा से। डायरेक्ट अगर परचेज करो या फिर डिलीवरी मांगो वो सभी चीजें आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगी। एंड फाइनली अगर इस फीमेल के प्राइस के बारे में बात करें तो फीमेल काफी अच्छी क्वालिटी की है, 50 डेज की हो चुकी है, तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना वो किए जस्ट 7000 पीस यानी सिर्फ 7000 रुपए। बाकी दोस्तों बार्गेनिंग कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।